माही भाई ना गुरु के समान है, लेकिन इस बारी उनकी टीम पे मैं ऐसा बरसूंगा कि कैप्टन कूल कूल नहीं रहेंगे। माही भाई गेम दिखाने आ रहा हूँ। जब मैं मैदान में उतरा था तो ऐसे ही सोचता था, आजा ऋषभ विकेट के पीछे तो मैं ही रहूंगा, गेम दिखा नेम बना। One hour later. What is he doing? Giving catching practice? Welcome everybody. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं IPL का दूसरा मैच चेन्नई वर्सेस दिल्ली। इससे पहले हमने मुंबई वर्सेस RCB खेला था और उसमें RCB मैच जीत गई थी, और फिर आपको पता ही है ड्यूएल में भी RCB मैच जीती थी एक रन से, सॉरी आखिरी बॉल पे एक रन चाहिए थे उससे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं चेन्नई वर्सेस दिल्ली। तो मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूँगा कौन जीतेगा, और मैंने वीडियो लेट से बनाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको पता है कौन जीता है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉस हो चुका है और देखते टॉस हम हार चुके हैं, तो श्रेयस अय्यर ने पहले बॉलिंग लिया है तो हम पहले बैटिंग करने वाले हैं। और ओपनर होंगे पुजारा और डुप्लेसिस, और ये पहली बॉल पुजारा को क्या ही ड्राइव 4 रन के लिए, तो बढ़िया शुरुआत। और इस बार डुप्लेसिस ने खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से, पीछे थर्ड मैन है नहीं तो एक और चौका मिल जाएगा, तो बढ़िया शुरुआत। और ये लेफ्ट हैंडेड रबाडा मुझे समझ नहीं आ रहा है, रबाडा राइट हैंडेड है और यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड रबाडा को लेग साइड में खेल दिया यहाँ पे डुप्लेसिस ने 4 रन। और ये अगली बॉल हेलीकॉप्टर शॉट डुप्लेसिस, कोई बात नहीं सीखा। और ये अगली बॉल यहाँ पे रुक कर दिया है, 4 रन तो नहीं मिलेगा बट 2 रन आराम से मिल जाएगा, तो बढ़िया शुरुआत करते हुए चेन्नई। और ये अगली बॉल ओवर की, और ये सीधा खेल लिया बहुत ही प्यारा शॉट डुप्लेसिस का, तो एक बढ़िया शुरुआत करते हुए डुप्लेसिस, 4 रन की पार्टनरशिप मार्क थे इस बॉल में, एक बहुत बढ़िया शुरुआत होता हुआ चेन्नई के लिए। और इसी के साथ भाई मेरे बोलते ही आउट हो गया, मतलब ऐसे भी होता है भाई, क्या ही कॉमेंटेटर कर्ज लगा। तो इसी के साथ पुजारा 5 रन बनाकर वापस जाते हुए, और अब आते हुए सुरेश रैना, और ये पुल कर दिया लेग साइड में, ये पहला चौका होगा सुरेश रैना के बैट से, और ये 4 रन। और ये अगला बॉल ये फ्री था, स्टेप आउट कर दिया, अच्छा टाइमिंग ने, फिर से 4 रन, तो बढ़िया शुरुआत करते हुए रैना भी यहाँ पे। और ये शॉर्ट पिच बॉल बहुत शॉर्ट था, पेस नहीं था बॉल में, तो इसी के साथ 6 रन डुप्लेसिस उठाते हुए, एक बढ़िया बैटिंग करते हुए यहाँ पे डुप्लेसिस। और ये फुल टॉस, पता नहीं क्यों यार जब भी फुल टॉस होता है ना मेरा बैट्समैन फंसता ही नहीं, तो अब मैं बैट्समैन आते हुए हम बात ही राइट हूँ, देखते हैं क्या होता है गेम में इनका परफॉर्मेंस। और ये अगली बॉल फिर से फुल टॉस, समझ नहीं आ रहा भाई फुल टॉस मतलब आप, सुरेश रैना भी 17 रन बनाकर आउट हो गए हैं। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है। He's the new man in. He should stick to the team plan and just anchor the innings down. So guys, यहाँ पे धोनी स्ट्राइक पे है, और ये फ्री हिट है और कुछ खास नहीं। और ये अगला बॉल फुल टॉस, और उसको पुल कर दिया उसका है, सॉरी 4 रनों के लिए। और ये अगली बॉल फिर से स्ट्रेट ड्राइव कर दिया, और फिर से मुझे लगता है कि ये भी 4 रन होगा, फील्डर ने डाइव तो दिया बट 4 रन के लिए। और ये अगली बॉल बॉलर ने स्विप कर दिया यहाँ पे राइडू ने 7 रन से, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए राइडू यहाँ पे खुलते हुए पूरी तरह से, और खुल गए इसी के साथ उनके स्टम्प्स खुल गए, बिखर गए जो भी है भाई, तो एक बहुत प्यारा बॉल था, ओवर पिच थी, मिस कर दिया पूरी तरह, और मिडिल और लेग स्टंप टाटा बाय बाय हो गया यहाँ पे। तो राइडू 33 रन बना के गए, और धोनी स्ट्राइक पे हैं, और ये धोनी ने लेग साइड में खेल दिया है पहला चौका धोनी के बैट से, और यहाँ पे लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं अमित मिश्रा, शॉर्ट पिच बॉल, और ये पीछे जाकर पुल कर दिया 6 रनों के लिए यहाँ पे जटे जाने, तो बहुत बढ़िया बैटिंग, फिर से शॉर्ट पिच बॉल, और इस बार खड़े खड़े पुल कर दिया 6 रन के लिए, तो बहुत बढ़िया बैटिंग यहाँ पे जटेजा से। और ये यॉर्कर लेंथ बॉल मिस टाइम कर दिया है और कैच आउट यहाँ, और यहाँ पे रविंद्र जडेजा 23 रन बनाकर आउट होते हुए, नए बैट्समैन है ब्रावो, और ये पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, और ये 6 रन यहाँ पे ब्रावो के बैट से, और ये सीधा पुश कर दिया यहाँ पे धोनी ने, 4 रन मिलेगा यहाँ पे, तो धोनी भी अपने बैट खोलते हुए। और फिर से अगली बॉल, और ये स्टेप आउट करके कर दिया है 6 रनों के। What a shot, a stupendous blow that... और यहाँ पे फ्लिक कर दिया लेग साइड में फील्डर बॉल के पीछे, पर यहाँ पे डाइव भी नहीं रोक पाएगी बॉल को, और धोनी के बैट से एक और चौका, तो बॉल में 10 रन, और ये स्टेप आउट करके लेग साइड में खेल दिया एक और 4 रन, और इसी के साथ धोनी के 50 रन पूरे होते हुए, 52 रन मात्र 33 बॉल में, 5 चौके और 1 छक्के की मदद से, 157 का स्ट्राइक रेट भी है, और एक और 6 रन इस बार पॉइंट के ऊपर से, 6, 4, 10, 14, 26 रन 4 बॉल में, और ये ऊपर से खेल दिया इस बार और चौका यहाँ पे, 24 रन 5 बॉल में धोनी ने बना दिए थे,
और ये इस बार कीपर ने मिस कर दिया है और ये चार रन, पहले बैट्समैन फिर कीपर और फाइव में चार रन मिलते हुए यहाँ पे तो चेन्नई का स्कोर अब बढ़ के 208 हो चुका है और धोनी ने पुल कर दिया है और इसी के साथ धोनी का एक शानदार इनिंग खत्म होता हुआ कैच आउट हो गए हैं धोनी 208 पे छठा गया पाँचवा विकेट सॉरी गिरता हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से धोनी कैच आउट हो गए 66 रन मार 37 बॉल में 7 चौके 2 छक्के क्या बात है और ये आखिरी बॉल इनिंग का पुल कर दिया लेग साइड में यहाँ पे 2 रन आराम से चुराएंगे और इसी के साथ चेन्नई ने बनाए हैं 214 रन 6 विकेट पे 20 ओवर के बाद और दिल्ली को बनाने 215 रन तो एक बड़ा स्कोर बनाया है चेन्नई ने। सो गाइस यहाँ पे दिल्ली को ये मैच जीतने के लिए 10.75 रन पर ओवर बनाने होंगे ये मैच जीतने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था चेन्नई ने उसका पीछा करने आते हुए यहाँ पे दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और शिखर धवन तो यहाँ पे बॉलिंग करेंगे जॉस हेजलवुड पहला ओवर। देखते यहाँ पे पहले ओवर में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ओवर के 5 बॉल दौड़ रहे हैं और आखिरी बॉल भी दौड़ तो मेडन ओवर के साथ यहाँ पे हेजलवुड ने शुरुआत किया और ये स्वीप कर दिया है। इसी के साथ बहुत ही शानदार कैच और पृथ्वी शॉ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खेल के गए हैं। 9 बॉल खेले उन्होंने और 1 रन भी नहीं बनाए। तो अगर आपको 10.75 रन पर ओवर बनाने हैं और कोई बैट्समैन 9 बॉल खेल कर 0 बनाए तो शुरुआत अच्छी नहीं होती हुई और श्रेयस अय्यर ने पहला ही बॉल फ्लिक कर दिया लेग साइड में और ये 4 रन मिलता हुआ और ये अगली बॉल और ये सीधा स्टेट में खेल दिया शिखर धवन ने और इसी के साथ 6 रन। तो अब थोड़ा सा इंटेंट दिखता हुआ एक और स्टेप आउट और एक और 6 रन तो दिल्ली अब गेम में वापस आने की कोशिश करती हुई और ये अगली बॉल पुश कर दिया स्लोअर बॉल थी यहाँ पे शिखर धवन ने। सिंगल मिलेगा तो हैट्रिक 6 नहीं बनेंगे यहाँ पे और ये बहुत ही बढ़िया बाउंसर उतनी अच्छी कीपिंग भी और ये लेग साइड में फ्लिक कर दिया फील्डर बॉल के नीचे और इसी के साथ धवन की इनिंग खत्म होती हुई समाप्त होती हुई 14 रन 6 बॉल में और यहाँ पे स्टीव स्मिथ ने स्टेप आउट करके 6 रन के लिए खेल दिया जॉस हेजलवुड को और ये अगली बॉल बहुत बढ़िया कम बैक यहाँ पे हेजलवुड के साथ और ये अगली बॉल फिर से पुल कर दिया है। पुल करने के लिए बॉल थी नहीं यहाँ पे और स्टीव स्मिथ भी आउट यहाँ पे श्रेयस अय्यर अपना ही गेम खेल रहे हैं। एक और 4 रन यहाँ पे ऑफ साइड में कोई फील्डर मौजूद नहीं है पीछे और इस बार पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है एक और 4 रन यहाँ पे और अगली बॉल फिर से स्टेप आउट करके इस बार सीधा खेल दिया है 6 रनों के लिए। तो 5 ओवर के बाद 43 रन पे पहुँच गए दिल्ली और यहाँ पे अगली बॉल ओवर की और ये पुल कर दिया लेग साइड में फील्डर वहाँ पे मौजूद है पवन के ऊपर से 6 रनों के लिए यहाँ पे ऋषभ पंत के बैट से। आप देख सकते हैं उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं हुई थी एज कर दिया था और एक समय के लिए लग रहा था कि कैच होगा बट यहाँ पे 6 रन मिलते हुए और एक और 6 रन यहाँ पे श्रेयस अय्यर के बैट से पहले लेग साइड अब ऑफ साइड यहाँ पे 2 बॉल में लगातार 2 छक्के श्रेयस अय्यर के बैट से और ये अगली बॉल डिफेंस कर दिया है हिटमायर छक्का तो लगाया था पंत ने और हिटमायर के आउट होने के बाद पंत आते हुए पर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा दोस्तों कि पंत बैटिंग कर रहे थे जब 6 लगा था। आप नीचे अगर देखोगे नाम में तो पंत था पता नहीं क्या हो रहा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे 4 रन मार दिया यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने ऑफ साइड में और फिर से अगली बॉल बहुत ही बढ़िया लेट शॉट और एक और 4 रन यहाँ पे मुझे फील्डर लगाना पड़ेगा थर्ड मैन पे और ये अगली बॉल जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे लगाने की क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत ही बेहतरीन बॉल पे देख सकते हैं स्लो मोशन में कितना अजीब लगता है ये डिफेंस। तो गाइस यहाँ पे श्रेयस अय्यर की 50 रन की इनिंग खत्म होती हुई बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और ये पंत है स्ट्राइक पे और ये ऑफ साइड में खेल दिया है यहाँ पे थर्ड मैन पे फील्डर है और इसी के साथ ऋषभ पंत भी कैच आउट होते हुए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 109 रन बनाए थे मात्र दिल्ली ने और ये मैच हार चुकी है दिल्ली मैन ऑफ द मैच रहे जडेजा। और दोस्तों यहाँ पे इशू क्या हो गया कि आखिरी में गलती से मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गया सो आखिरी के कुछ ओवर कुछ विकेट यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई जिसके कारण मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और जब गेम ख़त्म हुआ तो मैं देखा कि आखिरी के कुछ ओवर रिकॉर्ड नहीं हो पाए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और ऐसे ही मैं और भी गेम प्ले लाते रहूँगा IPL या फिर आप कह सकते हो NPL के। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आपको पता ही है क्या करना है। तो चलिए इसी के साथ बाय।